यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। महेंद्रगढ़ शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर जनस्वास्थ्य विभाग ने शहर को 10 जोनों में बांटा हुआ है। शहर में एक दिन में 10 जोन को पानी दिया जाता है और दूसरे 10 जोन को पानी दिया जाता है। मतलब शहर के उपभोक्ताओं को एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है, लेकिन पूरे शहर में पानी की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है। पहले उपभोक्ताओं को एक दिन में एक घंटा पानी एक लाइन में छोड़ा जाता था, लेकिन पानी की समस्या को देखते हुए अब शहर में एक साइड एक लाइन में 50 मिनट पानी छोड़ा जाता है। टैंकों में सिर्फ 4 दिनों का पानी बचा हुआ है और अब की बार नहर 11 अप्रैल को आई थी और 27 अप्रैल को बंद हो गई थी। पानी की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और साथ ही स्थानीय लोगों ने मांग की है कि जल्द ही पानी की समस्या को दूर किया जाए। बड़खल विधानसभा के 3 नंबर इलाके में रहने वाले स्थानीय लोगों ने पानी न मिलने से नाराज होकर रोड जाम कर दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की है। आपको बता दें कि दर्जनों परिवारों को पिछले एक महीने से पानी नहीं मिल रहा है, जिससे गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर पानी की मांग की है। इस दौरान स्थानीय लोग मौजूदा पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद अपने चाहने वालों को टैंकर भिजवा कर पानी दे रहे हैं। जाम की सूचना के बाद निगम के अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खोल दिया गया है। पानी की प्रॉब्लम है हमारे को, सिर्फ मेरे को नहीं है, ये हमारे पूरे ब्लॉक को पानी की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट सी ब्लॉक और ई ब्लॉक वालों को भी पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है और हम पिछले एक महीने से परेशान हो रहे हैं। हमने हर किसी के पास चले गए, कमिश्नर साहब के पास, एसडीओ के पास, जेई के पास, हर पार्षद के पास चले गए। कोई ऐसा नहीं है जिसको हमने रिक्वेस्ट ना करी हो और आज हम बहुत मजबूर हो गए इस एक्शन को करने के लिए।